करनाल के कस्बा नीलोखेड़ी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सिख युवक और पुलिसकर्मी मुलाजिम एक दूसरे के साथ लड़ते हुए दिख रहे हैं। गाली गलौच हो रहा है और सिख युवक की पगड़ी उतरी हुई है, जिसके बाद मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि युवक से बाइक को लेकर कुछ बातचीत हुई, जिसमें उसने बदतमीजी करी और पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया और पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। तो वहीं नीलोखेड़ी पुलिस थाने के बाहर सिख समाज के लोग इकट्ठे हुए और पुलिस प्रशासन से मिलकर अपनी बात रखी। युवक ने पुलिस के जवानों पर आरोप लगाए कि इन्होंने पगड़ी उतारी और मारपीट की है और उल्टा मामला दर्ज कर दिया। सिख समाज के लोगों का कहना है कि इस मामले में हमें इंसाफ चाहिए। मामला क्यों आया जी? सर मामला, मैं पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हूँ जी, और मैं पॉलिटेक्निक के गेट पे खड़ा था। मैंने अपने किसी फ्रेंड को कॉल की थी कि मुझे प्रैक्टिकल फाइल दे जा, और वो मुझे सर फाइल देने आ रहा था। आगे से दो पुलिसकर्मी आ रहे थे, मैंने उनको देख के सर बाइक साइड पे करने लगा, और बलवीर ने दारू पी रखी थी और उसने मेरे सीधी बीच में बाइक मारी और मेरी बाइक गिर गई, और मैं बाइक उठाने लगा। इसी बात से मेरे से हाथापाई करने लग गए और मेरी पगड़ी उतर गई। उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा और मेरी पगड़ी उतर गई, और सर मुझे और पुलिसकर्मी बुला के मुझे चौकी में ला के इन्होंने बहुत बेरहमी से मारा है। मेरे बाल पकड़ के, मेरे हाथों पैर पकड़ के उल्टा लटा के बहुत बेरहमी से मारा इन्होंने मुझे। और फिर यहाँ पे पीटने के बाद ये फिर मुझे मेरी पगड़ी, खुली पगड़ी में, खुले बालों में ले पॉलिटेक्निक के चौक पे ले जाके इन्होंने मुझे फिर मारा वहां पे 8-10 जनों ने, और जातिवाचक शब्द बोले हैं कि तेरे मुंह में मुतेंगे, तेरे सिर में मुतेंगे, तुम नकली सरदार हो। ये बात हुई थी सर, मजहबी सिख भी इन्होंने बोला कि तुम मजहबी सिख नकली हो, ये क्या कर सकते हैं, ये मेरा बेटा, इन्होंने इतनी बेदर्दी से मारा, पूरे पेट का ऑपरेशन हो रखा है मेरे बच्चे का, यही महावीर दल में ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर मेहता ने ऑपरेशन करा हुआ है, इन्होंने इतनी बेदर्दी से मारा मेरे बच्चे को, इनका कोई हक नहीं बनता था। अगर इनको गड्डी का शक था तो गड्डी उठाते, ये बच्चे को मारने का कोई अधिकार नहीं था इनको, इन्होंने इतना मारा, इन्होंने इतनी बेदर्दी से मारा मेरे बच्चे को, ये देखो, ये देखो, ये डालो आप, ये बताओ वीडियो, ये बताओ वीडियो, ये राजी हो गए, देखो, ये देखो, मारने का, ये इनको राइट नहीं है मारने का, इनको मारने का कोई हक नहीं था मेरे बच्चे को, ये देखो, ये देखो इन्होंने कैसे मारा मेरे बच्चे को, इनका कोई हक नहीं था मारने का, आप मेडिकल नहीं लगा रहे मेरे बच्चे का, आप मेरे बच्चे का मेडिकल नहीं लगा रहे, आप मेरे बच्चे का मेडिकल भी नहीं लगा रहे, इनका कोई हक नहीं बनता था मेरे बच्चे को। मेरे कान से सुन मेरी ब्लड जमा हुआ है और मेरे दांत भी टूटे हैं और उस दिन मेरे सामने ब्लड भी आ रहा था, और इन्होंने जाके जज के सामने कहा कि तू चुपचाप खड़े रहना, पे दबाव बनाया, बनाया इन्होंने, नहीं तो वही जज के सामने भी ये दिखाया था। और जब इन्होंने सर मेडिकल करवाया हॉस्पिटल में, इन्होंने मुझे वहाँ पे भी कुछ नहीं बोलने दिया कि तुझे फिर दोबारा जाके पीटेंगे अगर तू वहाँ पे कुछ बोला। दो क्रम चलो, वो जो विक्रम और बलबीर है वो पता ही नहीं है, वो उसकी पिटाई भी ऐसी होनी चाहिए, जब मेरे बच्चे की पगड़ी उतारी, इन्होंने पगड़ी उतार के लेकर आए हैं मार के। मामला 16 तारीख का बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस शिकायत में युवक पर आरोप है कि शाम को पुलिसकर्मी राइडर पर होमगार्ड के साथ गश्त पर निकला था। देर शाम को जब पॉलिटेक्निक चौक पर पहुंचे तो बीच सड़क पर एक युवक ने बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक खड़ा कर रखा था। बाइक हटाने के लिए कहा तो होमगार्ड का गला पकड़ लिया। इस दौरान होमगार्ड ने जब आरोपी से सड़क के बीच से बाइक हटाने के लिए कहा तो आरोपी युवक एकदम तैश में आ गया और होमगार्ड के साथ हाथापाई शुरू कर दी। हालांकि इस मामले में सिख युवक भी अपनी आपबीती बताते हुए नजर आया और पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाए। हालांकि प्रशासन और समाज के लोग इस मामले को लेकर चिंतित हैं और मामले को सुलटाने में लगे हुए हैं। ये 16 तारीख की बात है, 16 तारीख को ये परमजीत नाम का लड़का है नीलोखेड़ी से, वैसे रहने वाला तो यूपी का है पर नीलोखेड़ी अपने मामा के पास रह रहा है, तो ये मोटरसाइकिल लेकर के सड़क के बीच में खड़ा था बिना नंबर के, तो मुलाजिम वहां से गुजर रहे थे तो उसको टोका गया कि भाई तू बीच में से खड़ा है, तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की, जिस संबंध में इसके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। आज क्या हुआ जी? आज ये अपना सिख समाज से लोग इकट्ठे होकर आए थे, जो बता रहे थे कि भी मुझसे ज्यादा मारपीट हुई है, तो उसकी हम वेरीफाई कर रहे हैं क्या मामला है। तो सर इसमें कोई कार्रवाई हुई है मुलाजिमों से? आज दो मुलाजिमों को लाइन हाजिर किया गया है। किस मामले में सर? भाई संदेहजनक संदेह बताया मारपीट की गई उनके साथ।
अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।